ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर आई विल शो हाउ टू अटेम्प्ट योर फर्स्ट ऑल एग्जाम्स एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज कोली रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम। कॉस्ट अकाउंटिंग मंडे 8:30 टू 11:30 के स्टूडेंट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग और कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, भाई अर्ली वन एग्ज़ाम टोटल 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसके अंदर मंडे वाले सेक्शन के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 24, या तो एमसीक्यूज होंगे या ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है। ओके, कितने मार्क्स के होंगे? 12 मार्क्स के, ठीक है। और सब्जेक्टिव देखा जाए तो कितने, 3 न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे, न्यूमेरिकल फिगर्स कैलकुलेट करने होंगे। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का, यानी 3 नंबर्स कैलकुलेट करने। इट माइट बी पॉसिबल कि आपसे पूछा जाए कि फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करें, हो सकता है आपसे पूछा जाए प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करें, और डेटा आपके पास गिवन होगा। हो सकता है आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड के अलावा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पूछ लें, हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ लें। तो डेटा में आपको इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही होंगी। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात होगी। अब अगर टाइम भाई अवेलेबल एज आपकी क्लास टाइमिंग होगा, यानी 8:30 टू 11:30 पर अवेलेबल होगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन किस तरीके से होगी? हमने दो पार्ट में लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट सेपरेटली आपने करना होगा और सब्जेक्टिव पार्ट सेपरेटली करना होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको कितने दिए गए हैं, लेट मी कन्फर्म सेक्शन वाइज ताकि मैं मिक्स ना कर दूँ, सही है। यस, मंडे, ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज आपसे शेयर कर दिया गया है, यस। और ये मंडे वाले ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो यस, 24 ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके पास 50 मिनट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो 50 मिनट्स आपके पास होंगे, आइडियली 30 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, प्लस 20 मिनट ग्लिचेस के लिए होंगे। और ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसके लिए आपके पास टाइम टोटल कितना होगा, आधा घंटा होगा, आइडियली 20 मिनट्स के अंदर। ये 3 5-5 मार्क्स के हैं, फिर भी 15 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, आइडियली देखा जाए 15 मिनट्स में सॉल्व हो सकते हैं, फिर भी हम आपको 30 मिनट्स दे रहे हैं, 15 मिनट्स ग्लिचेस के लिए दे रहे हैं। यानी आप बिगिन का बटन दबाएंगे तो तब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप कैसे करना है इस बात को एग्जाम्पल, अच्छा अटैम्प्ट कितनी है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ भाई। नंबर ऑफ अटैम्प्ट ऑब्जेक्टिव्स की कितनी होंगी? 2 अटैम्प्ट होंगी, और सब्जेक्टिव की 1 ही अटैम्प्ट होगी, ठीक है। अब 2 अटैम्प्ट होगी और 1 अटैम्प्ट होंगी सब्जेक्टिव की। सर ये 2 क्यों होंगी? भाई मार्क्स बढ़ाने के बजाय आपको जो आपको असेस करना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो ऑब्जेक्टिव की इस वजह से पहली अटैम्प्ट होनी चाहिए, दूसरी अटैम्प्ट की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी अटैम्प्ट टेक्निकल ग्लिचेस के सपोर्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं कैसे करना है। तो जब हम डायरेक्टली आपके ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपके पास पहले ही शेयर कर दी गई है मंडे वाले ग्रुप में। तो जब आप अपने कोर्स में बिल्कुल स्टार्ट, आपने अपना कोर्स स्टार्ट किया, अपने कोर्स पर आए, इस कोर्स के अंदर आप मिड टर्म का सेक्शन आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है? क्विजेस के नीचे, ठीक है। तो क्विजेस पे क्लिक किया, क्विजेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज है, भाई पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा इंस्ट्रक्शन पेज ये रहा, ये आपसे पहले ही शेयर कर लिया गया है, सुकून से पढ़ लीजिएगा, ये एक दिन पहले शेयर किया गया। फिर इसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव 1 आपके सामने नज़र आ रहा है। जब आप ये देखा जाए तो इस वक्त आइटम स्टूडेंट से विजिबल हिडन है, और ये इस टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन भी वापस 8 बजे अवेलेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये देखें 12 मार्क्स के 24 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग से भी आ रहे हैं, जॉब ऑर्डर से भी आ रहे हैं, 50 मिनट का टाइम है, ठीक है। इस पर क्लिक किया, हाथ बना, तो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है। और ये जैसे ही मैं बिगिन का बटन दबाऊंगा 2:21, तो ये मेरा टाइम स्टार्ट हुआ। अब बिगिन का बटन दबाया तो मेरे पास ये 24 सवाल हैं, ठीक है। टेस्ट इन्फॉर्मेशन वही रिपीट हो रही है कि भाई आधे घंटे का है, आपको अलार्म भी मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन स्टेटस, पहला द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज सेक्रीफाइस वाज मेड टू अक्वायर इज, ठीक है। इसको मैं मिसाल के तौर पे मैंने आंसर दे दिया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का आंसर कुछ ना कुछ होगा, ट्रू फॉल्स आ रहा है। फिर और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 3 पे भी कर सकते हैं। सर ये इस मुझे नहीं मालूम, ये मैं सैम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, देखिए सिंपली टॉक ट्रू फॉल्स है। अच्छा, ये भी ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है। और आगे बढ़े, कुछ ना कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ, जॉब ऑर्डर से रिलेटेड पहले आ गया, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का आपको आइडिया होगा कि मिसाल के तौर पे ये क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से अब जनरल इंटी कौन किस चीज़ की बनेगी, जब मटेरियल यूज़ करते हैं तो इसकी इंटी क्या बनेगी, जॉब ऑर्डर से रिलेटेड ही है ना,
एंट्री में किया हुआ था। इसी तरीके से अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, और आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन पूछा है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सही है, फिर अगेन ये एक सिचुएशन आपके सामने मौजूद है, ठीक है, इसका डेटा आपके सामने मौजूद है, इसमें कुछ आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे गए, ठीक है, अगर हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके बुक के चैप्टर रीडिंग से दिए गए हों जो रीडिंग करनी हो, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल शुड फाउंड बाय दिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने सैम्पल एग्जाम्पल थी कि मिसाल के तौर पे के कॉस्ट ऑफ ब्लैंक पेंट ब्लैंक डॉट गाइस, तो वेरिएबल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चॉइस ए बी सी। खैर 24 पर पहुँचे, अच्छा आप 23 पे क्लोज कर सकते हैं, अगर आप क्लोज करेंगे तो आपका टाइम स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, इस वक्त आपका टाइम स्टॉप नहीं होगा। मैंने क्लोज कर दिया, मिसाल के इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या क्लोज हो गया, या इसको क्लोज कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, अब मैं वापस ओपन करता हूँ तो ये अब बिगिन नहीं दे रहा, ये क्या कह रहा है, कंटिन्यू, देखें, ठीक है। योर रिमेनिंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 28 मिनट एंड 14 सेकेंड्स, ठीक है। अगेन मैं कैंसिल करता हूँ, अगेन मैं इस पर आया तो देखें 28 मिनट और 4 सेकेंड इतना टाइम बाकी है, अगेन मैंने कैंसिल किया, इसका मतलब अगर आप इंटरनेट करेंगे तो आपके टाइम आपके सामने आएगा, 30 था इतना टाइम बाकी है। कंटिन्यू किया तो जिनका आंसर दे चुके हैं वो आंसर दे चुके हैं, ठीक है, अच्छा ये 30 मिनट था, इसके टाइम्स की एडजस्टमेंट करनी थी, सॉरी सर ये 30 मिनट्स नज़र आ रहा है, ये मैं इसी वीडियो में आपको साथ साथ फ़ौरन एडजस्ट भी कर देता हूँ एडिट टेस्ट ऑप्शन में जाके। माई मिस्टेक, मुझे लगा कि मैं इसको 50 कर चुका हूँ, ये रहा 50 मिनट दे दिए गए, सबमिट। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सर और कंटिन्यू करें, 50 से देखे जितना टाइम हुआ है उतना टाइम एडजस्टमेंट आ गई, ओके। एक छोटी छोटी सी बात सर, यहाँ पर तो 5 मार्क्स लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको भी एडजस्ट करना है, ये भी साथ ही साथ कर लेते हैं एडजस्टमेंट, ये मैं करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ओके, सो जब मैं क्लोज करता हूँ वीडियो, ठीक है, मुझे यस चल रही है, ओके, तो ये सारे रिव्यू को क्लोज कर देते हैं ताकि आइडिया हो कि मैं कहाँ पर था, मिड टर्म ये, मिड टर्म दो, ठीक है, एडिट कर लिया हमने, ये इंस्ट्रक्शन पेज आ गए, वापस इधर आते हैं, यस सर हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन को मैं एडजस्ट कर दूंगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, 24 क्वेश्चंस पे आए, और 24 क्वेश्चन पे आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आंसर दे दिया, ठीक है, जो भी था, और जैसे ही मैं सेव एंड सबमिट करता हूँ, ये कह रहा भाई आपने 5, 9, 10, 11, 13, 15 का जवाब नहीं दिया, तो ये पढ़ लें, कैंसिल करें ताकि वापस टेस्ट, ओके का मतलब सबमिट हो जाएगा, ये ओके की आपकी पहली अटैम्प्ट यूज़ हो गई, ओके किया और ये पहली अटैम्प्ट आपकी यूज़ हो गई, स्टेटस कम्प्लीटेड। अच्छा मुझे मार्क्स नज़र आ रहे हैं, आपको मार्क्स नज़र नहीं आएंगे, टाइम नज़र आ रहा है कि तब कब शुरू किया कब ख़त्म किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हुआ, अब आप आ जाते हैं इस ऑब्जेक्टिव पार्ट में, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, वहाँ वाली बात को एडजस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या नज़र आ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, नो हैंड रिटन सबमिशन, 30 मिनट का टाइम है। जैसे ही मैं बिगन का बटन दबा रहा हूँ तो अब देखें इसमें 3 सवाल आ रहे हैं, 1-1 मार्क्स के 3 सवाल आते हैं, ये टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, कन्वर्जन कॉस्ट पूछिए, तो इस सवाल में कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट कुछ ना कुछ आप निकालेंगे, वो जो भी निकाली होगी, मिसाल के तौर पर मुझे नहीं मालूम कितनी है, मैं अंदाजे के तौर पर 55 ए लिख देता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, क्वेश्चन वन का आंसर दे दिया तो क्वेश्चन टू, अगर क्वेश्चन वन का मुझे आंसर चेंज भी करना है ना तो मैं यहाँ पे आके चेंज कर सकता हूँ। क्वेश्चन टू पे गया, क्वेश्चन टू में रॉ मटेरियल यूज़ पूछा है भाई, लेट्स से मैंने इसका आंसर भी लिख दिया, और नेक्स्ट गया, ये मैं रॉन्ग आंसर लिख रहा हूँ तो ये भी टैली हो गया। सर अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, हर स्टूडेंट को ये भी 3 सवाल डिफरेंट आ रहे होंगे हर अटैम्प्ट में, ऐसा नहीं है कि यही सवाल आ रहा होगा, ये भी 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सवाल डिफरेंट आ रहे होंगे हर दफा, हर स्टूडेंट को सेपरेटली आ रहे होंगे, मिसाल के तौर पर लेट्स से ये मैंने कर लिया, और अब अगर मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो 0 मिनट ओके, तो रिव्यू रिज़ल्ट ओके करते हैं, तो ऑफकेन मैंने सारे आंसर गलत दिए हैं, तो 0 आपको मार्क्स विजिबल नहीं होंगे, ये ओके वाली बात। तो डेट्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर फर्स्ट आर्ली एग्ज़ाम, तो कैसे हुआ, प्रॉपर वीडियो हो गई, काइंडली ये वीडियो देख लीजिएगा कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। एक और छोटी सी बात, हर क्विज़ में, सेकंड क्विज़ में अगेन ये पहले कर चुका हूँ, बिगिन करता हूँ तो अब देखें सारे नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले कुछ और सवाल थे, पहले ट्रू फॉल्स आए थे तो इसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ आ गए, लेकिन सर क्या इसका मतलब ये डिफरेंट आ रहे होंगे, नहीं, अब देखें यहाँ पे ट्रू फॉल्स बाद बीच में आ रहे हैं, सही है,
ट्रू फॉल्स की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मिक्स बीच में हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, एमसीक्यूज वाली चीज़ें आ सकती हैं। तो रेंज में मुझे याद पड़ता है 7 या 8 हमने ट्रू फॉल्स दिए हैं, और बाकी सारे के सारे क्या दिए हैं, एमसीक्यूज के तौर पे दिए हैं। कुछ थ्योरी है, कुछ जगहों पर न्यूमेरिकल है। तो इसका मतलब आप जब सेकेंड अटैम्प्ट करेंगे तो सेकेंड अटैम्प्ट में आपके क्वेश्चन के आंसर्स डिफरेंट आ रहे होंगे। तो आखिर पे आने के बाद सेव इन सबमिट, तो ये आपकी सबमिशन हो गई और ये आपके सामने मार्क्स। मैंने सब ब्लैंक छोड़ा था तो दोनों अटैम्प्ट यूज़ कर ली, और इसके अंदर एक अटैम्प्ट है। तो ये आपको पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, होप इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।